अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सर? आज मैं बना रही हूँ लाहौरी स्टाइल चिकन चने। तो उसके लिए मैंने चने जोन से हैं वो अपने डिप कर लिए थे तकरीबन हाफ के जी। ये 5 से 6 पीसेस बॉयल हुए हुए चिकन के मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैं वो यूज़ करूँगी। और ये चनों को मैंने डबो दिया तकरीबन 1 घंटा, और इसे अब प्रेशर कुकर में डाल दिए चनों को, तो ये 1 घंटे में चने गल जाएंगे। ये रेड मसूर की दाल है जो कि मैंने तकरीबन आधा कप ले लिया और इसे गलने के लिए रख दिया। तो ये आपको मैं अभी चीज़ें दिखा रही हूँ, वो चने मेरे हो गए थे रेडी। प्याज है जो कि 2 मैंने लिए थे मीडियम साइज़, उन्हें ग्राइंड कर लिया। लहसुन अदरक के 2 चम्मच पेस्ट के इसमें जाएंगे। इसके अलावा जो टमाटर हैं ये 2 मीडियम साइज़ के हैं। इसके अलावा ये है कढ़ाई गोश्त मसाला 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, और रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून, और ये गरम मसाला थोड़ा सा 1 टीस्पून है, नमक है 1 टेबल स्पून है, और सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। तो ये सब मसाले हैं जो कि जाएंगे। इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें ये 3 से 4 लेके इन्हें हाफ काट लिया है, और सब्ज़ धनिया। तो ये वो दाल जो मैं आपको दिखा रही थी, ये वो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा पानी डाल के किया इसलिए थोड़ी सी अभी इसमें लिक्विड ज़्यादा है। और ये चने जो मैं आपको दिखाए थे ये 1/2 kg हो गए। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं और अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 3 कप मैंने इसमें ऑयल ले लिया और मीडियम फ्लेम पर मैंने ये ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब इसमें मैंने डाल दिए हैं अनियंस। तो ये अनियंस जो उनसे बस इसको हमने सॉटे करना है, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वो जब डार्क हो जाते हैं तो फिर उससे जो टेस्ट वगैरह है वो चेंज हो जाता है। तो इसको बस इतना आपने भुनना है कि ये थोड़े से अपना कलर चेंज कर ले, यानी ये पक जाए लेकिन ये जलने जैसा ना हो या बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो। तो ये आपके सामने अभी इसको देखिएगा, थोड़ा बहुत इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसी के बीच में फिर साथ ही जो टमाटर मैंने ग्राइंड किए हैं वो भी डल जाएंगे। तो इस वक्त मीडियम से थोड़ा सा तेज़ मैंने फ्लेम रखा हुआ है, और ताकि ये थोड़ा जल्दी हो जाए। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। तो ये देखिए जो टमाटर मैंने ग्राइंड किए थे वो भी डल गए। ऑयल मैं आपको बता रही थी कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, चूँकि ये लाहौरी स्टाइल चिकन चने होते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लें और इसे शेयर कर दिया करें। तो ये देखिए अब आपकी साइड से बबलिंग स्टार्ट हो गई है। जो इसमें मैंने टमाटर डाले थे वो और प्याज, क्योंकि टमाटर जो उनसे इसमें खूब पानी होता है तो ये पानी फिर ड्राई होने में इसको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये ऐसा ऐसा जैसे बॉयल एक चीज़ हो रही होती है, पक भी रहा है और साथ में बॉयल भी हो रहा है। तो ये जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा इसका पानी, तो फिर आगे मज़ीद हम चीज़ें ऐड करते जाएँगे। तो ये मैंने अभी आपको मसाले दिखाए हैं। अब जो मैंने आपको सारे मसाले दिखाए थे वो मैं साथ साथ ऐड करती चली जाऊंगी। तो ये जैसे जैसे टमाटर और प्याज भुनते चले जाएंगे तो मसाले भी इसके साथ भुनेंगे, ताकि वो अपना अच्छा सा फ्लेवर इसमें छोड़ दें। तो आप ये देखें अभी थोड़ा, यानी कि इसमें कुछ कसर है, अभी ये मसाले इसके साथ पकेंगे। ये ऑयल इसमें ज़्यादा ही जाता है क्योंकि लाहौरी स्टाइल चने होते हैं और इनमें थोड़ी तरी जो सी वो रखी जाती है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा तरी लाइक नहीं करते हैं। आप अगर चाहें तो इसमें मैंने 3 कप डाले हैं, तो आप 3.5 भी डाल सकते हैं। यानी कि मैं आपको ये इसका बता रही हूँ, बहुत बड़े वाले कप नहीं, जो स्मॉल कप्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। बहरहाल ये ऑयल तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा और मसाले भी इसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको जितने पसंद हो, हर घर का अपना एक हिसाब होता है। तो लेकिन बहरहाल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑयल। तो ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से इसको भून लिया, और ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर चिकन था, ये बॉयल हुआ हुआ है। ये जब मैंने वीडियो अपलोड की थी चिकन चाइनीज़ सूप की, तो उसमें मैंने इसको बॉयल किया था और मैंने इसके साथ इसे सेव कर लिया था, फ्रीज़ किया हुआ था। तो ये चिकन यूज़ कर रही हूँ। बताने का मकसद ये है कि आप भी इसी तरह कर सकते हैं, चूँकि वो फुल चिकन बड़ी होती है, तकरीबन 1.5 kg की थी, तो फिर मैंने सारी यूटिलाइज़ नहीं किया, मैंने उसे सेव कर दिया। तो इसी तरह देखिए आज ये काम आ गए। तो ये इसे अच्छी तरह से अब इसमें ये मैंने कर लिया है, भून लिया। आप ये देख रहे हैं इस वक्त, देखें इसका कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। और इसके बीच में अब जाएंगे चने। पानी जो भी था ना इसके अंदर वो भी इसी में शामिल कर दिया। अभी चने थोड़ी देर, हर चीज़ रेडी है, बस चने भी बॉयल हुए हैं, चिकन भी बॉयल था, बस अभी ना अच्छी तरह से पकेंगे। मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकाऊँगी और 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो उसके बाद इसे थोड़ी देर ना इसे दम पर रख दूँगी, 5-1
एक मिनट, तो बस हर चीज़ तैयार है। थोड़ा पानी इसमें ड्राई हो जाए और इन चनों में, चिकन में अच्छी तरह से मसाले रच जाएँ। तो इस वक्त फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है क्योंकि पानी अभी बहुत ज़्यादा है और इतना पानी तो नहीं रखना। अभी वो जो मसूर की दाल है वो मैंने ग्राइंड की है, वो भी मैंने डालनी है। ये देखें साथ में डाल दिए। इसको डालने से दो इसके मकसद है, एक तो ये कि ये ना बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, और दूसरी बात ये कि ये जो चने अभी बनेंगे ये जब ड्राई होंगे तो इसको गाढ़ा होने में भी मदद करेगी। तो ये देखिए अभी आहिस्ता आहिस्ता बॉयल हो रहा है और पानी इसका ड्राई हो रहा है। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने स्टेज पर डाल दी हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप इस पर अदरक भी डाल सकते हैं ऊपर जब ये एंड में इसको गार्निश करें। अगर आपको अदरक नहीं पसंद ना डालें, मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी। और इसके अलावा कुछ लोग इसमें अंडे भी बॉयल करके डालते हैं। मुख्तलिफ वेराइटी है, मैं आपको बता देती हूँ ताकि जैसे आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये लाहौर की बहुत फेमस डिश है और काफ़ी अच्छे बनते हैं, नाश्ते में यूज़ किए जाते हैं, नाश्ते में ज़्यादातर घरों में खाए जाते हैं। इसके अलावा खाने में अच्छी डिश होती है। तो ये देखें मैंने रख दिए दम पर, ये हो गया रेडी। और मैं ऊपर गर्म मसाला डाल रही हूँ, सब्ज़ धनिया डाला है, मिर्चें डाली हैं, आप चाहें अदरक भी डाल लें अगर आपको पसंद है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और गर्म मसाले से इसमें फ़्लेवर में और भी, आप भी कह लें इसका जायका दुबाला हो गया। आप लोग ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे लगे कमेंट्स में। तो इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।